तो आज हम बात करेंगे सेफ्टी हेलमेट्स की, और इन हेलमेट्स को कौन व्यक्ति पहनता है, किस पोस्ट का व्यक्ति पहनता है। तो इसमें अलग अलग कलर दिख रहे हैं, रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन और येलो। तो इन अलग अलग कलर वाले हेलमेट्स को किस पोस्ट का ऑफिसर पहनता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो हेलमेट्स दिख रहे हैं, ये सभी सेफ्टी हेलमेट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट हेलमेट की। तो ये है वाइट हेलमेट, जिसको इंजीनियर, मैनेजर और सुपरवाइजर पहनता है, सेफ्टी हेलमेट एट कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर हम सेफ्टी हेलमेट्स पहनते हैं। तो अगर वाइट हेलमेट किसी व्यक्ति ने पहन रखा है, तो हमें मालूम हो जाना चाहिए कि वो इंजीनियर होगा या मैनेजर होगा या फिर सुपरवाइजर होगा। ठीक है, तो ये है ग्रीन हेलमेट। ग्रीन हेलमेट यानी हरा हेलमेट को कौन पहनता है, मेडिकल ऑफिसर या फिर सेफ्टी ऑफिसर। तो अगर किसी व्यक्ति ने ग्रीन हेलमेट पहन रखा है, इसका मतलब है कि वो मेडिकल लाइन से है, यानी कि सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन साइट पर हम जितनी भी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, वो मेडिकल या फिर सेफ्टी ऑफिसर हमें बताता है। यानी किसी को चोट वगैरह आ जाए कंस्ट्रक्शन साइट पर, कुछ दुर्घटना हो जाए, तो मेडिकल ऑफिसर का हमें पता ग्रीन हेलमेट से देखकर लग जाएगा, और तब हम उससे हेल्प मांग सकते हैं। तो तीसरा हेलमेट है हमारा रेड हेलमेट, जिसको फायर फाइटर पहनता है। ये है रेड हेलमेट, देख सकते हैं। तो इसको फायर फाइटर पहनता है, यानी कि आग से बचाव वाले व्यक्ति, कहीं पर आग वगैरह लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो व्यक्ति आते हैं वो फायर फाइटर होते हैं। तो रेड जो है हेलमेट देखकर हमें पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ये लोग आग से बचाव के लिए, तो हम उनको आवाज़ देकर बुला सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दुर्घटना हुई है जो आग से लगी हुई है। तो रेड हेलमेट फायर फाइटर यूज़ करता है। और ये जो जैकेट पहन रखी है, ये रिफ्लेक्टिंग जैकेट है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जैकेट पहनने से जो होता है, हमें रिफ्लेक्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है। नाइट में, रात में जब कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है साइट पर, तो रोशनी से हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे कोई गाड़ी जा रही है रोड के साइड में, रोड के साइड में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग जैकेट से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हेलमेट है ब्लू हेलमेट, जिसको इलेक्ट्रीशियन यानी कि बिजली का काम करने वाला व्यक्ति पहनता है। तो ब्लू हेलमेट पहने हुए कोई भी व्यक्ति अगर हमें दिखता है, तो हमें मालूम हो जाना चाहिए कि वो व्यक्ति विद्युत का काम यानी कि बिजली का काम करने वाला है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जितना भी लाइट का काम करते हैं, वो ब्लू हेलमेट पहने हुए होते हैं। तो इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इलेक्ट्रीशियन है या लाइट का काम करते हैं। ब्लू हेलमेट वाले इलेक्ट्रीशियन होते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट हेलमेट है येलो रंग का, यानी कि पीले रंग का हेलमेट। तो इसको लेबर यानी मजदूर व्यक्ति, यानी कि साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर जितना भी वर्क चल रहा होता है सामान को लाने ले जाने के लिए, तो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, कर्मिकों की, श्रमिक कर्मी की जरूरत पड़ती है वहाँ पर। तो जो श्रमिक व्यक्ति होते हैं वो येलो हेलमेट पहनते हैं पीले कलर का। तो हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर लेबर का वर्क कर रहे हैं। तो येलो हेलमेट से हमें ये मालूम हो जाता है।